अगला क्वेश्चन देखें, उसमें दे रखा है आर, वेक्टर आर दे रखा है और पूछा क्या है अपने को, पोटेंशियल पूछा है ए टू बी के क्रॉस। तो देखा जाए अगर ऐसे देख लिया जाए इसको, एक्स और वाई प्लेन भी दे रखे, जीरो जीरो एक क्वाड्रेंट दे रखा है, जीरो जीरो और दूसरा क्वाड्रेंट दे रखा है रूट टू कमा रूट टू, कुछ यहाँ पे होगा रूट टू कमा रूट टू। और अब बोला है इनकी जो आर वेक्टर है वो भी दे रखे हैं, आर वेक्टर दे रखे हैं क्या, ओके पॉइंट दे रखे हैं, तो आर वेक्टर हम निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आर वेक्टर की बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, रूट टू आई प्लस रूट टू जे, ओके इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा रूट टू आई प्लस रूट टू जे, ओके ये मैंने जे कैप लिख दिया और आई कैप बना दिया, ओके अब अगर देखें इसका मैग्नीट्यूड का, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड कितना होगा, टू प्लस टू इट मीन्स फोर और आएगा आंसर टू, ओके अंडर रूट के अंदर टू प्लस टू अंडर रूट का फोर इजकल टू टू। तो अगर देखा जाए आर टू, जो आर टू देखा जाए तो टू आई कैप और कितना आएगा जीरो जे कैप। अच्छा ये आर टू जो है आर टू का दे रखा है जो टू कॉमा जीरो पे है, तो उसका कॉर्डिनेट कितना होगा टू आई कैप प्लस जीरो जे कैप। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए के क्रॉस ए के पोटेंशियल पॉइंट ए के क्रॉस कितना होगा, अगर ये पॉइंट ए है तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ओके वी ए बराबर लिखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके और क्यू, क्यू की वैल्यू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 10 के पावर माइनस 6, ओके और हाँ माइक्रोफैराड उसको कन्वर्ट कर लिया मैंने और डिवाइड बाई 2 सही है। तो अब यहाँ पे B पे लिखें, V ऑन B, B पे लिखें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 10 के पावर 6, 10 के पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 2। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों के लिए वी ए और वी वी दोनों बराबर हैं, तो वी वी माइनस वी ए करें इक्वल टू जीरो आएगा, तो दोनों के बीच पोटेंशियल गैप जो है कितने का है, जीरो का है। इट मीन्स ऑप्शन सी जो है करेक्ट है आपका।